हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में एक नई शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। आर्ट दिखाया जाएगा एक लीप। या दोस्तों, वनराज और अनुपमा की जिंदगी तलाक के साथ ही पूरी तरह से बदल जाएगी। पहले तो कोर्ट जाते वक्त कुछ ऐसा लग रहा होगा और कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही होगी, कभी डिले, कभी कुछ और कभी कुछ। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशंस सामने आ रही होगी कि वनराज को मन ही मन लग रहा होता है कि ये तलाक अब नहीं होगा और वो चाहता भी यही है, लेकिन अनुपमा किसी भी कीमत पर ये तलाक नहीं रोकना चाहती और तलाक फाइनली हो जाता है और अनुपमा अपना मंगलसूत्र उतार कर दे देती है वनराज के हाथ में और उसके साथ सेल्फी लेती है। तो यहाँ पर वनराज बहुत ही ज़्यादा उदास होता है और अनुपमा एक खुले आज़ाद पंछी की तरह उड़ निकलती है। तो वही अब अनुपमा को अंदाज़ा भी नहीं है कि ज़िंदगी में आगे आखिर होगा क्या। वनराज और अनुपमा के रास्ते भले ही अलग हो गए हों, लेकिन ये हर वक्त एक दूसरे से टकराते हुए नजर, और अनुपमा की जिंदगी एक नए मोड़ पर जा निकलेगी और उस पर उसका साथ देंगे डॉक्टर अद्वैत खन्ना। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीने का लीप हमें यहाँ दिखाया जाएगा और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अनुपमा और डॉक्टर अद्वैत खन्ना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तो दूसरी तरफ वनराज और अभी तक काव्या का तलाक, वनराज और काव्या का शादी नहीं हो पाई है क्योंकि काव्या का कोई तलाक अभी हुआ नहीं है और उसके डिले की वजह से यहाँ पर वनराज और काव्या की शादी में भी डिले हो जाता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा और डॉक्टर अद्वैत खन्ना की दोस्ती एक नए मोड़ की तरफ खड़ी हो रही है और हमें देखने को मिलेगा कि डॉक्टर अद्वैत खन्ना अनुपमा के काफ़ी अच्छे सपोर्टर बनकर निकलेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर वनराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि अनुपमा की ज़िंदगी में किसी अच्छे दोस्त की एंट्री हो गई है और इस बात से उसके और काव्या के रिश्ते में भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जहाँ जिस तरह से तलाक 6 महीने टला था, अब शादी भी किसी ना किसी वजह से टलते हुए नजर आएगी। तो अब आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल, देखना इंटरेस्टिंग होगा डॉक्टर अद्वैत खन्ना और अनुपमा की दोस्ती किस नए मोड़ की तरफ जाती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द लेकर हाजिर होंगे नेक्स्ट अपडेट।